किधर है? कुकू! कुकू किधर है तू? संगीत, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही है? पता नहीं कुकू किधर चली गई है, बहुत देर से ढूंढने की कोशिश करी, कहीं भी नहीं दिख रही है। यहीं तो थी, अभी देखा था हमने। हाँ, ऐसे अचानक कहाँ जा सकती है वो? मैंने हर जगह देख लिया और वो शायद आपके पीछे पीछे निकल गई थी। एक काम करते, तुम उस तरफ ढूंढने जाओ, हम और सयूरी हम और सांची इस तरफ ढूंढते हैं। कुकू, आपने कोई छोटी लड़की देखी है? 5 साल की है, देखो फोटो। यहाँ गई ये टिकरी, इसके चक्कर में सारा प्लान खराब हो गया। कुकू बेटा, आपने कोई छोटी बच्ची को देखा यहाँ पे? आपको कुकू कहीं मिली क्या? वो एक्चुअली मुझे सांची जी ने बताया था कि कुकू कहीं खो गई है, मिली क्या आपको? अरे मिली होती तो साथ होती ने। सो सॉरी, अब नहीं, उस तरफ मैंने देख लिया, वहां पर कुछ नहीं, अच्छी तरह से मैंने देख लिया। यहाँ ना इस तरफ कुछ खिलौने की दुकान है, वहां चल के देख लेते हैं। ओके चलिए ना। हाँ उस तरफ देखते हैं, वहां देखा नहीं है। कुकू! कुकू! तू ठीक है ना? अरे तू किधर चली गई थी? तुझे पता है सब लोग कितनी देर से तुझे ढूंढ रहे हैं। मम्मा कितना परेशान हो गई थी, तुझे बोला था ना मंदिर में बहुत भीड़ है, ऐसे नहीं जाना है कहीं पे भी, कहीं तू खो गई, कुछ हो जाता तू। तुझे पता से ऐसे तू मम्मा नहीं बोलती ना, मम्मा तेरे लिए लेकर आती। ना कुकू, पता है पापा और मम्मा दोनों को इतना परेशान कर दिया। आप जल्दी से तू पापा के पास चलना, वो गुस्सा हो जाएंगे। तुझे पता है उसके बाद हम कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। कौन? क्या क्या कहा आपने? कैसी मुश्किल? किस मुश्किल में पड़ जाएगी कुकू? बोलिए ना, हमें बोलिए, हम मदद करेंगे आपकी। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें बताइए क्या हुआ, किस मुश्किल की बात कर रही हैं आप? बोलिए ना प्लीज, हम मदद करेंगे। जिसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या लग रहा है, आप क्या समझ रहे हैं, पर मेरा वो मतलब नहीं था। मैं और मेरी बेटी, हम लोग कोई मुश्किल में नहीं है, बल्कि हम खुश हैं। पर पता नहीं आप ये फालतू के बेकार के सवाल बार बार पूछ के क्यों हमें तंग करते रहते हैं, आपको समझ नहीं आता है क्या? पर आप पहले भी हमें ऐसे ही परेशान कर चुके हैं। तो मैं जितने सवालों का जवाब दे सकती थी मैंने दिया है, अभी और नहीं। पता नहीं विक्रांत ने हमारी शादी में क्यों बुला लिया। देखिए, मेरे पति ने आपको इनविटेशन दिया ताकि आप हमारी खुशी में शामिल हो सके, तो एक काम कीजिए, चुपचाप से वो ही कीजिए और उसके बाद चले जाइए यहाँ से। और मैं अपने पति अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। एक बात दिमाग में अच्छी तरीके से डाल लीजिए कि मैं आपकी सयूरी नहीं हूँ, मैं साची हूँ। मुझे खुशी से और सुकून से रहने दीजिए आप। और आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए और ना ये फालतू की सिरदर्दी। कुकू बेटा, अरे कुकू बेटा कहाँ चली गई थी? मेरा मतलब पापा को टेंशन हो गई थी ना। चलो कोई बात नहीं, अभी ध्यान रखना, पापा या मम्मी का किसी एक का हाथ पकड़ के रखना, ठीक है? चलो पंडित जी। अरे खाना भाई, मुझे तो लगा अभी तक निकल गए होंगे। चलो अच्छा है, यहीं पे हो ना, आ जाओ शादी में शामिल होने। चलो। नहीं, आप कैरी ऑन कीजिए, हम चलते हैं। अरे क्या खाना भाई, हमारी शादी हो रही है, बधाई नहीं दोगे क्या ऐसे सूखे सूखे? हाँ, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। हम कुछ ठीक फील नहीं कर रहे, हम चलते हैं। क्या हुआ? वो डॉक्टर छू भूल गए क्या? अरे मेरी वजह से ही तो घर में आना जाना शुरू हुआ था, है कि नहीं? बताओ क्या हुआ? नहीं वैसा नहीं, बस कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा, हम चलते हैं। चलो ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, बट शाम को मिठाई भिजवाऊंगा, वो खाना जरूर अच्छा फील होगा। मदद कीजिए कृष्णा जी, कुछ तो कीजिए प्लीज, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज कृष्णा जी। अरे मिसेस देसाई चलो ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, पंडित जी वेट कर रहे हैं। कुकू हाथ पकड़ के रखना आप, चलो चलो।
दोनों यहाँ? अगर इन्होंने सयूरी को देख लिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी तब जब वो किसी और के साथ शादी करने जा रही है। हमें कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे दोनों मंदिर के बाहर से ही लौट जाए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ भी पहुंच गए हमारा पीछा करते करते। पंडित जी, सब तैयारियां हो गई हैं तो विवाह की विधि शुरू करें। जी जजमान, शुरू करते हैं अभी। अरे ऐसा उदास चेहरा क्यों बनाया हुआ है? शादी करनी है ना? तूने ही कहा था दोनों बेटियों के साथ हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। अरे तो फिर ये आंसू क्यों बहा रही है? मैं कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ क्या? नहीं विक्रांत, मैं सब बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ। तो क्या सोच रही थी, शादी करनी है कि नहीं करनी है? जी करनी है ना शादी। पर क्या? पर नहीं, जल्दबाजी में विक्रांत, ऐसा नहीं सोचा था। कैसा सोचा था फिर? मैंने सोचा था कि हमारी शादी ना बहुत अच्छे से होगी विक्रांत, मतलब धूमधाम से ना सही, लेकिन पूरी विधि विधान के साथ होगी, जैसे हमारी होती है वो ट्रेडिशनल। लेकिन अभी तो इतना जल्दबाजी में हो रही है, कैसा लग ही नहीं रहा है कि शादी हो रही है। बस ऐसा लग रहा है कि नाम की शादी है, किसी परफेक्ट शादी थोड़ी ना होती है ना। परफेक्ट मैरिज એટલે क्या? जो विवाह पूरे संस्कार के साथ हो, जितनी रस्में होती है सारी रस्में हो। देखिए ना, अभी पूजा पाठ होता है, दूल्हा दुल्हन को नजर ना लगे, उनकी जिंदगी में खुशहाली बनी रहे, वो तक नहीं हुआ है। और तो और हल्दी मेहंदी कोई रस्म नहीं हुई है। और विक्रांत, ये दिन बार बार तो नहीं आएंगे ना? अभी ऐसा हो कि अभी नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना विक्रांत? जो भी करना है स्पेशल बनाना है, इसी बार करना होगा, ताकि जिंदगी भर हमारे पास कुछ तो याद रहे हमारी शादी की, है ना? अभी इतनी बड़ी चीज है तो उसका सेलिब्रेशन भी तो बड़ा होना चाहिए ना, है ना विक्रांत? इसके लिए वरना तो सब कुछ अधूरा ही लगेगा, और पूरी जिंदगी मेरे साथ साथ आप भी तो अफसोस करेंगे ने? कानू और मेरी जब शादी हुई थी ना, तो वो जोरों शोरों से सारी रस्में हुई थी। मैं चाहती हूँ कि आपकी और मेरी शादी हो तो उसमें वो जोर शोर से सारी रस्में हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, ना अधूरापन लगेगा। मानती हूँ कि हमारा कोई भरा पूरा परिवार नहीं है, बड़ा सा खानदान नहीं है, लेकिन आपकी वो प्रोफेशनल सर्कल है ने, वही बाय है, बस उनको तो हमें बुलाना चाहिए ना, वो तो आने चाहिए, मतलब कोई तो साक्षी बने हमारे इस बंधन में बंधने की, वरना तो इसे अकेले अकेले तो कुछ मजा भी नहीं आएगा। वो शादी नहीं, वो तो ऐसा लगेगा कि हम कोई पाप कर रहे हैं। मदद कीजिए कृष्णा जी, कि मेरी कही बात मान ले प्लीज कृष्णा जी। कहीं तो हमारा पीछा छोड़ दो, तंग आ गए हम, परेशान हो गए। परेशान तो हम हो गए रोज रोज के आपके तानों से। और आप क्या हमें बताकर आए थे कि आप इस मंदिर जा रहे हो? या हमें सपना आया था कि आप पहले से आ रहोगे? और अगर हमें पता भी होता ना तो हम क्यों आएंगे आपको फॉलो करते हुए? हमें क्या पता, वो तुम्हें ही पता होगा, या फिर रश्मि को। रश्मि पहली बार तो हमारा पीछा नहीं कर रही। क्यों रश्मि, पहले भी तो आई हो ना हमारे पीछे तुम, पर क्या पता तुम्हें भी ये शौक लग गया हो। रश्मि आपके पीछे इसलिए आई थी क्योंकि उसे आपकी चिंता थी कि गुस्से में आप कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा लो, किसी से पंगा ना ले लो, या कहीं मारपीट ना कर लो, या गाड़ी ना ठोक दो। और वो आपके पीछे आई थी ना तो घर पे अपने बच्चे को अकेले छोड़ के आई थी, और आपको लगता है कि इसे आपको फॉलो करने का शौक है। पता नहीं हो क्या गया आपको, किन चीजों में आपका दिमाग लगा रहता है। वो तो नसीब अच्छा है कि आपको इतनी लविंग और केयरिंग फैमिली मिली है, पर आपको इसकी कदर का? प्यार तो बहुत दूर की बात है, आपको रिश्तों की भी कीमत नहीं है। इतनी कड़वाहट आप में भर चुकी है ना कि
आपको चिंता भी गलत लगने लगी है। हम कोई छोटे बच्चे नहीं है, अपना ख्याल रख सकते हैं। हमें हमें किसी की चिंता या किसी की केयर की जरूरत नहीं है। हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। इसलिए तुम लोग जाओ यहाँ से। पहली बार ये मंदिर, यहाँ आप अंदर जाने से किसी को रोक नहीं सकते। अगर इस समय हम आपके सामने अंदर भी चले जाएंगे ना, तो भी आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और दूसरी बात, आपको हमारी चिंता की क्या, आपको हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड जो है आपके साथ। गलती होगी जो हमने आपकी चिंता की, माफ कर देना। नकुल, सॉरी नकुल, आई होप तू हमें माफ कर पाएगा। सॉरी, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर तू सयूरी को देख लेता, पता नहीं क्या होता। वो भी इस वक्त जब वो किसी और से शादी कर रही। काना, कहाँ जा रहे हो तुम? यहाँ सयूरी और विक्रांत की शादी होने जा रही है, किसी भी तरह हमें शादी को रोकना है, तुम भूल गए क्या? नहीं भूले, लेकिन वो शादी रोक नहीं सकते हम, और होते हुए देख नहीं सकते, इसलिए। काना, तुम ये क्या बोल रहे हो? वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह है। अब हमें कोई राह नहीं दिखाई दे रही है। काना, तुम ये हारी हुई बातें क्यों कर रहे हो? हार चुके अब हम, जा रहे हैं यहाँ से। कहाँ? पता नहीं, लेकिन जा रहे हैं बस। नहीं काना, मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। यश, प्लीज हमें जाने दो, इस वक्त हमारा अकेले रहना जरूरी है। इस... काना, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन इस वजह से मैं तुम्हें कमजोर पड़ने नहीं दे सकता, और ना खुद कमजोर पड़ सकता हूं। इन हालात में हम दोनों में से किसी एक को तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। चाहो दोस्त, संभालो खुद को, और मैं यहां सयूरी को देखता हूं। अगर आज सयूरी ने यह शादी कर ली, तो आज ये बात मैं भी मान जाऊंगा कि हमारी सयूरी कभी वापस नहीं आएगी, और मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा उसे भुलाने में, मूव ऑन करने में। पंडित जी, ये शादी से पहले की रस्में कोई जरूरी होती है क्या? हमारे धर्म में ऐसी कोई प्रथा नहीं जजमान, जिसके पीछे कोई गूढ़ सोच ना हो। रीति रिवाज, रस्म, इनका अपना एक अलग महत्व है। इसी तरह विवाह के पहले भी जितनी रस्में निर्धारित की गई हैं, उनका अपना एक अलग महत्व है। वर और वधु के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही ये सब बनाई गई हैं। इससे ना सिर्फ वर वधु का आपदाओं विपदाओं से बचाव होता है, बल्कि उनके संबंधों में भी दृढ़ता आती है। ठीक है, फिर हम शादी नहीं करेंगे आज। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब विधि विधान जरूरी है, तो जिसमें तुम्हारी खुशी। लेकिन आज से 7 दिन बाद, जब पंडित जी ने हमारी शादी की तारीख देखी थी, उसी दिन शादी होगी, और कोई कमी नहीं होगी, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। तुम जो मांगोगी, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी, ठीक है? तुम्हारी खुशी सबसे पहले। थैंक यू विक्रांत, आपने मेरी इच्छा का इतना सम्मान रखा, थैंक यू। तुम ठीक कह रहे थे काना, ये पक्का हमारी सयूरी है, और इसने बात प्रूव कर दी है शादी को टालकर, और हमारा शक बिल्कुल सही था, जरूर सयूरी की कोई मजबूरी है, इसलिए वे नाटक कर रही है। खाना, काश तुम यहाँ होते ये सब देखने के लिए। But never mind, मैं तुम्हें बताऊंगा। नकुल, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो पता है ना भैया की आदत कैसी है, उनकी बातों को दिल से क्यों ले रहे हो? तो क्या करते, वहाँ खड़े रह के सुनते रहते? नहीं, पर अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो तुम? चल,
अंदर चलते हैं, भगवान के दर्शन करने आए थे ना, वो तो कर ले, चलो। नहीं है मन हमारा दर्शन करने का। हम क्यों उनका पीछा करेंगे, ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं हम पे वो? शांत हो जाओ नकुल, गुस्सा मत करो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मंदिर नहीं जाना तो तुम कार में आराम से बैठो, फिर हम घर चले जाएंगे, ओके? अब इसके लिए तो हाँ बोल दो नकुल। देखो आज इतना शुभ दिन है, अब मंदिर तक आकर बिना दर्शन किए वापस जाना ये तो अच्छा नहीं होगा ना, प्लीज हमें जाने दो। देखो हम तुम्हें नहीं कह रहे चलने को, तुम्हारा मन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमारा तो मन है ना, हमें तो दर्शन करने जाने दो। और नकुल हमें तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रार्थना भी करनी है। कोई बात नहीं, तुम्हारा मन है ना, हम चलते हैं। नहीं नहीं, अब मेरा मतलब है बेमन से कुछ भी करने का क्या मतलब है, ये तो फिर भगवान के साथ भी चीटिंग हो जाएगी ना, इससे तो अच्छा है कि इंसान मन ही मन भगवान का ध्यान करके माथा टेक ले। तुम बैठो कार में आराम से, हम जल्दी से वापस आ जाएंगे, ठीक है? अरे यार ये गाना का फोन क्यों अनरीचेबल है अब? तो ये सब सामग्री भूल भूल तो शादी के दिन वैसे ही आ जाएगा। हल्दी और मेहंदी के लिए क्या क्या सामान लगेगा बताइए, मैं इंतजाम कर लूंगा। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। सामणू ने विक्रांत, अब जब तक पंडित जी से बात करे मैं कुकु को एक पतंग दिला के लाऊं, वो क्या इन्हें कुकु उसका मन है पतंग लेने का और आसमान में पतंग उड़ते हुए देखने का, मैं जाऊं उसको लेके? ठीक छे, ज्यादा दूर मत जाना। पर ठीक छे। सिर्फ 7 दिन है मेरे पास और इन्हीं दिनों में मुझे कुछ करना है ताकि जल्द से जल्द अपनी बेटी को लेके मैं अपने कान्हा के पास वापस जा सकूं।